हमने एक दृढ़ संकल्प लिया महावीर युवा मंच के सभी कार्यकर्ताओं ने, और इस वर्ष हम महावीर युवा मंच के सानिध्य में 1132 लोगों को समेत शिखर जी की 10 दिवसीय यात्रा ले जा रहे हैं। कुल 16 बोगी हैं, प्रत्येक बोगी में 72 यात्री हैं। ऐसे 1132 यात्रियों को श्री समेत शिखर जी की तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं। शुभ मुहूर्त में 3:10 पर उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होगी। ये चित्तौड़, कोटा, मुगलसराय, कानपुर होते हुए गया जी की ओर प्रस्थान करेंगे। गया जी 28 तारीख का पूरा दिन ट्रेन में रनिंग रहेगा, उस दिन सारी धार्मिक प्रतियोगिताएं वगैरह उस ट्रेन में रहेगी। 29 तारीख को सवेरे करीब 5 से 7 बजे के बीच में ये गया जी रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। वहाँ रेलवे स्टेशन पर ही नाश्ता, सभी 1132 यात्रियों का नाश्ता वहीं ट्रेन में स्टेशन पर ही रहेगा। वहाँ से प्रत्येक 16 बोगियों में टोटल यात्री रहेंगे, तो उन 16 ही बोगियों के लिए करीब 32 बसें वहाँ पर लगेंगी, और करीब 5 से 5:30 बजे के बीच में सभी यात्री वापस लछवाड़ जी धर्मशाला में पहुँच जाएंगे। वहाँ पर शाम का भोजन वहीं पर होगा। भोजन करने के बाद पहाड़ी स्थल है, शारीरिक दृष्टि से भी कई लोगों को कठिनाइयाँ रहती है, तो वो सब स्थिति में हमने हर 18 आदमी पर एक आदमी की ऐसी व्यवस्था की है, उसको उसके ऊपर ध्यान रखना है कि वो यात्रा पूरी करने तक उसके बीच में जितना उसको जो सहयोग मिलना चाहिए और निगरान रह करके उसको तक साथ रहे। एक भी हैं जो यात्रा पैदल चल करके नहीं कर सकेंगे, वो भी काफ़ी संख्या रहती है, तो वहाँ एक हनुमान ऐसी डोली की व्यवस्था रहती है जिसको रात्रि को बुक कराते हैं, सुबह भोमेश जी के दर्शन करने के बाद उन डोली के माध्यम से भी यात्रा कर की जा सकती है। अगर जाता है मेरी यात्रा शुभ हो और अच्छी भक्ति भाव के रूप में हो, और 24 ये जो गीत गवाए जाते हैं उस गीत की भी कल पूरे दिन भर एक कार्यक्रम रहेगा। देखा कि लोगों के मन में सिर्फ भावना है कि हम हमारा पेमेंट करके और हम उसमें जाएं, तो इतनी ओवरवेलमिंग बुकिंग का एक उसको उम्मीद नहीं थी कि 7 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा बुकिंग हो जाएगा। तीसरा जो इवेंट है मैनेज करने की, उस दिन स्टेशन के ऊपर मैं समझता हूँ 10,000 के आसपास लोग आने चाहिए। इस तरह का माहौल बाजार के अंदर चलने वाले के व्यापार यात्रियों के साथ दे रहा है कि अगर जो एक एक व्यक्ति के साथ भी अगर 5-5 लोग हों तो उस तरह का पूरा ही धार्मिक माहौल हो जाएगा।